राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, श्री राजीव रंजन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो रही है और मैं उस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण क्या किया आपने, विचारों को मरा दिया इनको सबको, सरकार के द्वारा किए गए कार्य और आगे भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के साथ साथ जो नीतियां बनाई जाती हैं और उसको कार्यान्वित करने की जो नियत है उसका एक दर्पण होता है महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण। महामहिम के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई बातों की चर्चा है। प्लीज बैठिए, प्लीज मैडम, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय सीनियर वरिष्ठ आप बोल रहे हैं, शून्यकाल जिन माननीय सदस्यों की लॉटरी खुली है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनको बोलने का मौका दिया जाएगा ताकि सब रुक के रहेंगे यहाँ पर। राजीव रंजन सिंह जी। महोदय, तो मैं कह रहा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा है जो सरकार ने किया है और जो सरकार आगे करने जा रही है। वास्तव में यह एक दर्पण होता है जो सरकार की नीति और उसको कार्यान्वित करने की जो नियत है सरकार की उसको स्पष्ट करने वाला एक दर्पण होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई कार्यों की प्रशंसा की गई है और मैं अपने आप को उससे संबद्ध करता हूं। जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोरोना काल में जो विश्वव्यापी महासंकट एक पैदा हुआ था उस संदर्भ में उसमें चर्चा है और वास्तव में मुझको इस सदन में बोलने पे यह गर्व महसूस होता है कि पूरे विश्व में और विशेष तौर पर जो विकसित राष्ट्र अपने आप को कहते हैं, उन विकसित देश अपने को कहते हैं, उन देशों में जो भयावहता थी वह इस देश में देखने को नहीं मिली। और तीसरा जो लहर है, उस तीसरे लहर की तो कोई बात ही मत करिए। जो टीकाकरण अभियान चला और जो टीकाकरण अभियान ने उसमें रक्षा कवच का काम किया और हमारे यहाँ आज मैंने अखबार में देखा कि 10% से भी कम संक्रमण दर आ गया है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है। और जो टीकाकरण हुआ, कई देश तक टीकाकरण, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था टीकाकरण के लिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने स्वदेश में, इस देश में निर्मित टीकाकरण को अपने देशवासियों को लगवाने का काम किया, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। ऐसे हम, और इसके अलावा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो या जो वेंटिलेटर्स का हो, हम किसी भी तरह इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे। और जब हम इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे और अचानक जब हमारे सामने महासंकट आया, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे साहस के साथ सभी राज्यों को, चाहे वो राज्य कोई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े हुआ राज्य सरकार हो या उससे अलग विचारधारा की राज्य सरकार हो, सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लेके, सभी राज्य सरकारों के सहयोग से जो कोरोना के महासंकट पर जो काबू पाने का काम किया, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो चर्चा है मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ और मैं उसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। महोदय, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की चर्चा है। गरीब कल्याण योजना में जो जब महासंकट पूरे देश में फैला तो उस समय लोगों के लिए खाने का लाला पड़ा हुआ था, लोग भूखे मरने की स्थिति में थे और उस स्थिति में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज प्रदान कराकर इस देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो साहसिक काम किया मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,
इसके माध्यम से जो रेवड़ी और पटरी पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्था की गई 29,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके इस पर काम किया गया और आज वो सब लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं जो रेवड़ी और पटरी पर रहते थे। और इस वर्ष भी 29,000 करोड़ है, 2900 करोड़ बोल रहे हैं, पाल साहब अपने को करेक्ट कर लीजिए। तो इसलिए महोदय मैंने कहा भी है, चर्चा हुई हर घर नल के जल की, अभी चर्चा हुई है, उस पर विस्तार से प्रश्नोत्तर काल में चर्चा हो चुकी है, हम उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही दोहराना चाहता हूँ कि 2015 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों को कहा था कि अगर इस बार आपका विश्वास और भरोसा मिलेगा तो हम 7 निश्चय की योजना लागू करेंगे। उस 7 निश्चय में एक हर घर नल का जल पहुंचाने की भी योजना शामिल थी और उस पर 90% सफलता बिहार की सरकार ने प्राप्त कर लिया। और पूरे देश में जो आज पीने के पानी की संकट है, 2019 में भारत की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 2019 के बजट भाषण में इसे शामिल किया, हर घर जल, ये जल जीवन मिशन की योजना जो उन्होंने शामिल की, इससे आज पूरे देश में जो गरीब लोग हैं जिनको शुद्ध पानी आज आजादी के इतने दिन बाद भी शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाता है, उनको भी पीने की पानी की सुविधा प्राप्त हो रही है। हर घर बिजली पहुंचाना, यह भी सरकार की उपलब्धि है, बहुत यह काम भी हम लोगों ने, बिहार की सरकार ने 2015 में शुरू किया और 28 अक्टूबर 2018 को बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। 2017 में इस योजना को भारत सरकार ने भी अडॉप्ट किया और आज उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। महिला सशक्तिकरण की चर्चा है, महिला सशक्तिकरण के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं महोदय कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 7 वर्ष के अंदर, अपने 7 वर्ष के शासन काल में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देके जो साहसपूर्ण काम किया है और आज उनको अपना घर हुआ है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। अब इस वर्ष का भी बजट भाषण जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें भी 80 लाख परिवारों को पक्का घर देने की योजना है जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये सारी योजनाएं जनहित की योजनाएं हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार की भी चर्चा हम करना चाहेंगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण की के दिशा में जो काम हुआ है, 2006 में महिलाओं को पंचायती राज में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और वह आज लाखों की संख्या में महिलाएं वहां प्रमुख, जिला प्रमुख, मुखिया, सरपंच, मेयर, डिप्टी मेयर बनी हुई हैं। उसके अलावा 35% बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां महिलाओं को सभी राज्य सरकार की नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं वहां DSP बन रही हैं, SDO बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये काम हुआ है और भारत सरकार ने भी जो काम किया है हम उसके लिए करना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहूँगा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और बात की चर्चा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय हम आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहते हैं कि अगर शरीर का कोई भी स्वस्थ शरीर, कोई भी व्यक्ति का स्वस्थ शरीर कब होगा? जब उसके सभी अंग सही होंगे, उसके हाथ, पैर, सर,
सब अंग सही होगा, एक अंग भी गड़बड़ होगा तो वो स्वस्थ व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। इस देश के कई राज्य हैं, इस देश के कई राज्य हैं जो पिछड़े हैं। आप नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट देखिए, अभी हाल में भी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, तो कई पिछड़े राज्य हैं। उन राज्यों को जब तक विकसित नहीं करेंगे आप कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो तथ्य डाला गया है, जो सपना है, जो संकल्प है, उसको आप पूरा कर पाएंगे? इसलिए अब बिहार तो काम कर रहा है, बिहार का बंटवारा हुआ, रूढ़ी जी नहीं समझेंगे। रूढ़ी जी का सोनपुर में एक एयरपोर्ट बनवाना है उनको, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं कि बिहार का बंटवारा हुआ 2000 में, बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार और झारखंड अलग अलग हुए, सारे खनिज संपदा झारखंड में चले गए, बिहार में कुछ नहीं बचा। और अधीर रंजन जी आपको एक बात बता देते हैं, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया था तो बिहार में ये आम चर्चा थी कि अब बिहार में कुछ नहीं बचा है, आलू लालू और बालू बचा है, इतना ही बचा है बिहार में, बाकी सब झारखंड चला गया। लेकिन आज बिहार कहाँ पहुंचा? आज बिहार का जो विकास दर है वो पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है, बिहार का विकास दर दोहरे अंक में है। और अभी अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में है कि आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय सालाना 1221 रुपए हो गया है, 1221 रुपए हो गया, जो 2019-20 में 45,071 रुपए 45 रुपए था, 2020-21 में 46 रुपए था, और आज बढ़ के वो 1221 रुपए हो गया सालाना, एनुअल, वार्षिक में कह रहा हूं अधीर रंजन जी, थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी में आप, हाँ पहले बहुत कम था एनुअल, मैं तो कह ही रहा हूँ बात वहाँ का पर कैपिटा इनकम, लेकिन आज अगर हम वहाँ पहुँचे और हमारा ग्रोथ रेट अगर दोहरे अंक में पिछले कई वर्षों से है तो ये हम अपने संसाधन के बल पर हैं। लेकिन जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था उस एक्ट में एक प्रोविजन था, उस एक्ट में प्रोविजन था कि बिहार को प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, बंद हो गया। जब योजना आयोग बंद हुआ तो उसके साथ साथ नीति आयोग बना और नीति आयोग ने उसको बंद कर दिया, 1,000 करोड़ रुपए सालाना जो एक्ट में प्रोविजन है उस प्रोविजन को भी समाप्त हो गया। उसके बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम आगे काम कर रहे हैं। रघुराम राजन कमेटी बनी, रघुराम राजन कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया 2013 में, अधीर रंजन चौधरी जी की सरकार थी उसमें, बहुत आग्रह किया हम लोगों ने कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लीजिए। रघुराम राजन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कई राज्यों के बारे में, बिहार के बारे में, उड़ीसा के बारे में, कई राज्यों के बारे में चर्चा किया कि ये पिछड़े राज्य हैं और इनको विकसित करना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको ठंडे वस्ते में डाल दिया। अब आज परिणाम यह है कि रघुराम राजन कमेटी का रिपोर्ट ठंडे बस्ती में पड़ा हुआ है। अब नीति आयोग बनी, नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है ताजा रिपोर्ट में, उसमें आप कह रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है। अरे भाई, तो बिहार अगर बहुत पिछड़ा है और उसको अगर आप आगे नहीं लाएंगे, उसको अगर आप विकसित नहीं करेंगे तो आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरा रहेगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म इंडिया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? इसलिए हमारे राज्य से ये मांग है कि बिहार को पिछड़ा थी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और राज्यों को भी दीजिए, जो पिछड़े राज्य हैं उन सभी राज्यों को भी दीजिए, और उसके साथ साथ जो पिछड़े राज्य हैं उसमें भी विकास करिए तो आगे बढ़िएगा, और तभी आपका विकसित राष्ट्र की कल्पना आप कर सकते हैं। और इसकी बात नहीं कर रहे हैं,
रूढ़ी जी के बारे में भी कहा अधीर बाबू ने, और रूढ़ी जी कुछ कागज वगैरह लिख भी रहे हैं। बिहार विधानमंडल ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पारित किया था, उसमें रूढ़ी जी के भी लोग सहमत थे। और रूढ़ी आज किसी कारण से आप नहीं कर सकते हो, आप उसका समर्थन नहीं करते हो, अलग बात है। हम आपसे मांग भी नहीं रहे, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, हम तो इस देश की सरकार से मांग रहे हैं, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह बिहार के हित में है, राज्य के हित में है, और इसलिए हम इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रख रहे हैं। मानना नहीं मानना, स्वीकार करना अस्वीकार करना, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन हम मांग तो रख सकते हैं राज्य के हित में। मैंने आपको चर्चा की कि डेढ़ दशक से हमारा जो विकास दर है वो है, अब विशेष राज्य के दर्जा बहुत लोग चर्चा करते हैं, 15th फाइनेंस कमीशन की चर्चा करते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन में विशेष राज्य के दर्जा के बारे में कोई अनुशंसा नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन ने लिखा है अपने रिपोर्ट में कि हमारा मैंडेट ही नहीं है, मुझको ये मेरे क्षेत्राधिकार ही नहीं है वित्त आयोग का कि हम पिछड़े राज्यों के बारे में कोई टिप्पणी करें। तो जब उसकी कोई उसके मैंडेट में नहीं है, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो उसकी अनुशंसा की क्या आवश्यकता है? ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फैसला करना है, केंद्र की सरकार को फैसला करना है कि जो पिछले राज्य हैं हम उसको विकसित कर आगे बढ़ाएं कि नहीं। यह भी सवाल उठता है कि भाई बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने से क्या लाभ हो जाए? बहुत सारे लाभ हैं, सबको मालूम है क्या लाभ होता है। इनकम टैक्स में छूट मिलती है, बिहार में उद्योग के नाम पर कुछ नहीं है, शून्य है, औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री ने एक उत्तर में कहा कि 17,000 करोड़ बिहार का कोटा था इथेनॉल का और 34,000 करोड़ का प्रस्ताव आ गया। जहां भी थोड़ा सा स्कोप अगर मिलता है तो बिहार आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग को स्कोप मिला, चूंकि हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में जो रॉ मटेरियल है इथेनॉल के लिए, मक्का मेरे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो इसलिए आज हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही सरकार ने छूट दिया कि शुगर केन से अलग हटके भी, शुगर के उत्पादन को चीनी के उत्पादन से अलग हटके भी सीधे इथेनॉल का उत्पादन आप कर सकते हैं, वैसे ही बिहार में बाढ़ ला गई। उसी तरह अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार ही नहीं बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों को भी, जो पिछड़े राज्य हैं, उड़ीसा के बारे में भी उसमें चर्चा है, तो उसको भी अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, GST में उसका लाभ होगा, प्लांट मशीनरी पर छूट मिलेगी, और जब छूट मिलेगी तो वहां औद्योगिक विकास होगा, उस राज्य में का औद्योगिकरण होगा, और जब राज्य का औद्योगिकरण होगा तो राज्य विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा, और प्रदेश अगर विकसित होगा तभी आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इंडिया की कल्पना कर सकते हैं, और तभी इंडिया ट्रांसफॉर्म करेगा। यह आग्रह हम करना चाहते हैं। औद्योगिक इकाई अगर बढ़ेगी तो नौकरी के रोजगार बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कई तरह की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर छूट मिलता है, तो कई तरह की सुविधाएं हैं जो विशेष राज्य के दर्जा के कारण लोगों को मिल सकता है। तो इसलिए हम माननीय आदरणीय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह मांग रखते हुए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यह हम उनसे सलाह मांग रखते हुए, उनसे आग्रह करते हुए, उनसे अनुरोध करते हुए, और जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।